अच्छा जी पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने आ, आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स के हवाले से भी डिस्कस किया और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आ, में जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स रहे और आर्ट डायरेक्टर्स रहे उनके हवाले से भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लेसन से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्परेशन जो है वो हासिल हुई होगी इस लेसन के अंदर भी मैं आप लोगों के लिए एक और इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ लेके आया हूँ और वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन ग्राफिक डिज़ाइन हम लोग इस लेसन में ये देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आजकल बहुत सारे मॉडर्न ट्रेंड्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं जिनमें से कुछ ट्रेंड्स के ऊपर हम लोग इस लेसन में अभी बात करने वाले हैं देखें होता यह है कि हर दौर के अंदर डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो कुछ ख़ास ट्रेंड्स को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर कुछ ख़ास किस्म के स्टाइल्स को अपनाया जा रहा होता है जिस तरह से हम लोगों ने पिछले लेसन के अंदर आर्ट एंड डिजाइन मूवमेंट्स के अंदर भी देखा कि हर आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट में कुछ खास किस्म के स्टाइल्स और करेक्टरिस्टिक जो है वो पाई जाती हैं तो इसी तरह से आजकल ग्राफिक डिज़ाइन में जो कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स पाए जा रहे हैं उनमें से कुछ का हम जिक्र किए लेते हैं जनाब अली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड आज मौजूद है वो ये है कि यूज़ ऑफ ब्राइट कलर्स आजकल ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आप लोग किसी भी चीज़ को देखें किसी भी डिज़ाइन को देखें जो मॉडर्न है जो कि आजकल के, आज के हिसाब से है तो उसके अंदर आप लोगों को ब्राइट कलर जो हैं उनका इस्तेमाल मिलेगा और विविड कलर्स का इस्तेमाल मिलेगा एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये कुछ जो एप्पल एक ब्रांड है इसकी कुछ इमेज हम देख लेते हैं पिछले कुछ अर्से में जो एप्पल के हवाले से एक इनकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुई आई और उसके अंदर उसकी लॉन्च के अंदर हमने देखा कि कुछ बहुत ब्राइट और विविड कलर्स हमें जो है वो देखने को मिले और इसी तरह से अगर हम देखें कि एप्पल ने जो अपना इंटरफेस है वो भी बहुत ब्राइट कर दिया है एप्पल का जिक्र मैं यहाँ पे मॉडर्न ट्रेंड्स को डिस्कस करते हुए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है और एक ऐसी कंपनी है जिसको पूरी दुनिया के अंदर ये इम्तियाजी हैसियत इस वक्त हासिल है कि ये पूरी दुनिया में डिज़ाइन ट्रेंड्स को लेके आती है इसी तरह से एक और ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है वो है जनाब अली टाइपोग्राफी एज अ फोकल पॉइंट इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ अगेन एक टेलीफोन कंपनी है सामसंग इसके कुछ डिज़ाइंस हैं एडवर्टिजमेंट्स हैं इनको अगर हम ग़ौर से देखें तो हमें पता चलता है कि जनाब अली टाइपोग्राफी को एक ख़ास हैसियत दी गई है इन डिज़ाइन में और फोकल पॉइंट के तौर पर यूज़ किया गया है यानी कि हमारे डिज़ाइन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है उसके अंदर जो है वो टाइपोग्राफी uh, और कैप्शन को टेक्स्ट को प्लेस किया गया है तो इस तरह से हमें पता चलता है कि टाइपोग्राफी को एक ख़ास किस्म के फोकल एरिया में रखा जाता है और ये ट्रेंड भी जो है वो आजकल ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आम है जो तीसरा ट्रेंड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा यूज़ हो रहा है वो है जनाब अली कलरफुल मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म के ऊपर मैंने पूरा एक लेसन आपको जो है वो दिया और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया मिनिमलिज्म के हवाले से काफ़ी डिटेल में तो ये जो एक ट्रेंड है इसका ताल्लुक भी मिनिमलिज्म से ही है इसमें सिर्फ ये है कि मिनिमलिज्म को ही आजकल ज़रा कलरफुल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि ये कुछ मार्केटिंग मटेरियल है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमलिस्ट अप्रोच के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है लेकिन कलर्स का कुछ इजाफा है और कुछ थोड़े से ब्राइट कलर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं यानी कि आजकल मिनिमलिज्म को कुछ ब्राइट कलर्स के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक नई अपडेशन है आजकल के ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेंड्स के अंदर अच्छा जी इसी तरह से एक और ट्रेंड जो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है ग्राफिक डिज़ाइन में वो है यूज़ ऑफ थ्री डी इफेक्ट्स थ्री आपको टाइपोग्राफी के अंदर भी आजकल देखने को मिलती है इमेज़स के अंदर भी देखने को मिलती है डिज़ाइंस में भी देखने को मिलती है तो ये थ्री डी इफेक्ट्स जैसे कि आप इन विजुअल्स के अंदर इन डिज़ाइंस में देख सकते हैं कि टाइपोग्राफ़ी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया बनाया गया है कि वो थ्री की फील दे रहा है थ्री डायमेंशनस की फ़ील दे रहा है तो ये जो थ्री डी इफ़ेक्ट्स हैं ये भी आज कल बहुत ज़्यादा इन है ग्राफिक डिज़ाइन को लेके इसी तरह से यूज़ ऑफ फ्लैट एलस्ट्रेशन्स आज कल एलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जैसे कि आप इस एक जो है वो विजुअल के अंदर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एलस्ट्रेशंस को इस्तेमाल किया गया है लेकिन फ्लैट तरीके से बनाया गया है और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है वो आजकल बन चुका है तो दोस्तों इस लेसन में मैंने आप लोगों को कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स बताए ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से और इनको बताने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिल सके कुछ पुश मिल सके और आप लोग थोड़े से बकअप हो सकें ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ें आजकल ग्राफिक डिज़ाइन में इन हैं और उनको आप किस तरह से जो है वो अपने डिज़ाइंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा ये जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं इनके बारे में जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप गूगल पे जाके टाइप करें मॉडर्न ट्रेंड्स इन ग्राफिक डिज़ाइन मॉडर्न ट्रेंड्स जो आम तौर पर ज़्यादातर कॉमनली इस्तेमाल किए जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड्स में वो आपको देखने को वहाँ मिल जाएंगे इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बहुत सारे मैगजीन्स हैं डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके ऊपर आपको इन ट्रेंड्स के हवाले से जो है वो पता चल जाएगा इसके अलावा आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा सोर्स आप जब भी कोई भी डिज़ाइन देखें जो आजकल का है जो मॉडर्न है किसी बड़े ब्रांड का है उसको ऑब्जर्व करें कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ की गई हैं और किस तरह से यूज़ की गई हैं अच्छा जी इस पूरे कोर्स के अंदर थ्रू आउट हमारा जो सफ़र था हमारी जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही बड़ी खूबसूरत रही आप लोगों को मालूम है कि जैसा आपने देखा इस कोर्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया ग्राफिक डिज़ाइन की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने ले कर लर्न करना शुरू किया जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के हवाले से हमने शुरू में ही डिस्कशन की और मज़ीद कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी शुरू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अच्छा इसके बाद फिर आगे चल के हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो प्रोफेशनल uh, सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि अडोबी इलस्ट्रेटर अडोबी फोटोशॉप और अडोबी इन डिज़ाइन इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को हमने काफ़ी डिटेल के अंदर देखा हमने इनके अंदर मौजूद तमाम फीचर्स और जो इम्पोर्टेंट टूल्स थे उनके ऊपर हमने डिस्कशन की और हमने प्रैक्टिकली देखा कि हम इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे हमारे लिए जॉब्स अवेलेबल हैं जो असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन की है जैसे कि लोगो डिज़ाइन से स्टार्ट करके उसके बाद पोस्टर मैगजीन ऐड ब्रोशर बिलबोर्ड स्ट्रीमर वगैरह वगैरह से करते हुए हम लोग आगे बढ़े और वेबसाइट डिज़ाइन और मोबाइल ऐप डिज़ाइन वगैरह को हमने बड़ी डिटेल में नज़र डाली अच्छा जी आ, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के आ, आप लोगों के असाइनमेंट्स और आपका काम देख के कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि ऑलरेडी एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर uh, काम करना शुरू भी हो चुके हैं और जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी जल्दी करें अपनी स्किल्स को uh, जल्दी से पॉलिश करें अपने नॉलेज को अपडेट करें और uh, बग़ैर घबराए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करना शुरू करें मैं उम्मीद करता हूं इस कोर्स से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और इन लोग जो हैं वो आने वाले वक्त में ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने लिए अपनी फैमिलीज़ के लिए और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे अन कर सकेंगे बल्कि इन शी आप लोग बहुत ज़्यादा नाम भी कमा रहे होंगे इसके अलावा मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि जो डिजिटल कम्युनिटी है उसके साथ अप रहें एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसिस अपने काम जो हैं वो शेयर करें आप लोगों के पास डिजी स्किल्स जैसा बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है आप लोग एल एम एस पे आएँ वहाँ पर आके अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएं बताएँ कि आप लोगों ने कौन से डिज़ाइंस बनाए और आपने कितने पैसे कमाए उन चीज़ों को लर्न करके इससे आप लोगों का ना सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा बल्कि जो आपके दूसरे साथी हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी और उनको भी एक नया जज्बा मिलेगा कि वो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि एक ज़बरदस्त करियर जो है उसको भी आगे लेके चल सकते हैं और ये तभी मुमकिन है कि जो पूरा आपने ये कोर्स फॉलो किया है इसके अंदर जो भी नॉलेज आपने हासिल किया जो भी आपने टेक्निक्स लर्न की जो भी इतनी सारी हमने जो चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं प्रैक्टिकली सीखी हैं इन तमाम को प्रैक्टिस करते रहें इनको बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है आपने रिसर्च करते रहना है मेहनत करते रहना है प्रैक्टिस करते रहना है और इन शाह बहुत ज़्यादा कामयाब होना है ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में